याद होगा तो यार मैं लेकर आ चुका हूँ रतक वाली जिनका पार्ट टू एंड, तुम्हें याद होगा पार्ट वन वहाँ पे एंड हुआ था जहाँ पर भुवन ने रतक को डैम क्रॉस मार के फेंक दिया था। अब स्टार्ट होता है पार्ट टू यहीं से, यहाँ पर अब यहाँ पर भुवन कहता है अब तो मेरे पास एक नया मूव है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ बेटा आचा छपरी। और तब यहाँ पे रतक कहता है अच्छा बेटा तुझे लगता है तेरे पास ही नया मूव है, ये ले छाले छपरी। और तब वहाँ पे दोनों की तरफ दूसरे ऊपर अपने नए मूव मारते हैं, लेकिन जो भुवन फ्रॉस्ट फायर होता है उसके ऊपर ब्लेजिंग फ्रॉस्ट एरो से हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ रहता है उसको पकड़ लेता है और क्रिस्टल में कैद करने लग जाता है। लेकिन तभी जैसे गोपाल उसको फौरन से एलिमेंटल, लेकिन तब वहाँ फौरन से उसको और सपोर्ट का एलिमेंटल ड्रेन मतलब भांग का सा के हेल्प से एलिमेंटल ड्रेन उसने जो एक्टिवेट किया होता है वो फाइनली वो बुबोए को हाथ में पकड़ा देता है और सपोर्ट को, और जो बुबोए होता है वो एलिमेंटल ड्रेन की मदद से क्रिस्टल पावर और अर्थ पावर छीन लेता है, मतलब क्विक पावर और क्रिस्टल पावर। तो यहाँ पर बहुत सोच, तो यहाँ पर तुम लोग मुझे एक चीज़ बताना, क्या तुम लोगों ने सोचा था क्या कि जब तुम लोगों ने मूवी की फाइनल बैटल देखते हुए ये सोचा था कि क्या बोलते हैं जब ऑटोबॉट ने क्रिस्टल पावर को दिखाया था और जब क्रिस्टल पावर आई थी वो ऑटोबॉट के बैक के पीछे, तब तुम्हें क्या लगा था कि वो लीप पावर है? बिकॉज मुझे तो ऐसा ही लगा था। अब तुम्हें लगा तो तुम लोग बताना, खैर छोड़ो अब मैं सारी चीज़ें और फास्ट फॉरवर्ड बोलूँगा, जिसके बाद यहाँ पर जो वो रत्ता का कहता है तुम पछताओगे, तू पछताएगा गधे। और तब वहाँ वोल्ट्रा बनता है और जैसे बोल के ऊपर अटैक करने वाला था एकदम से यहाँ पे हैना आती है और कहते हैं, तो यहाँ पर रिंग आती है और उसका टाइम फ्रीज कर देती है और कहती है वो, और तब यहाँ पे हैना आती है और कहती है उसको छूने की हिम्मत नहीं कर, मुक्का मार के ऊपर फेंक देती है उसको, जिसके रत्ता को मतलब जिसके वो फैंग आता है और फैंग शेयर टू ड्रैगन ब्रेथ का यूज़ करता है जिसकी वजह से उसको ज़मीन पर फेंक देता है डैम के पास। यहाँ पर वो लेकिन यहाँ पर रत्ता का कहता है तुम लोग पछताओगे तुम लोग। और यहाँ पर क्या बोलते हैं बबुआ आँखें कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये लाइन तुम्हारे मुँह अच्छा नहीं लग रहा, तो ठीक है ना, तो छुप रहे और चुपचाप से मर जा। लेकिन तब यहाँ पर फिर भी रता का नहीं मानता, रता का कहता है मैं मरूँगा लेकिन तुम लोगों को साथ में लेके मरूँगा बच्चों। और तब वो उनके ऊपर इतनी जोर का अटैक मारता एंड तब वो उनके ऊपर इतनी जोर का अटैक मारता है और तभी यहाँ पर जो भुवन होता है वो फौरन से भुवन ग्लेशियर बनता है और तभी यहाँ पर रत्ता का डैम को गिरा देता है, तो मतलब भुवन ग्लेशियर बन जाता है एंड जिसके बाद वो मतलब भुवन जो होता है वो ग्लेशियर बनने के बाद वो डैम को फ्रीज कर देता है अपने गोलम आइस या गरगंदू आइस की मदद से, एक तो उसके नाम को लेकर मैं बहुत कन्फ्यूज रहता हूँ, खैर छोड़ो फिर भी उसको फ्रीज कर देता है। अब जो वो कहता है और उससे और ऑटोबॉट की वजह से उसके सारी की सारी एलिमेंटल पावर्स ड्रेन कर लेता है, और कहता है अब तुम्हारा अंत रहता का एलिमेंट, और वो बचता है दो एलिमेंट्स में और फाइनली वो बन जाता है वो है सुप्रा। और सुप्रा बनने के बाद वो पहले अपने सुप्रा ब्लेड निकालता है और क्या बोलते हैं रत्ता के ऊपर अटैक करता है, उनसे रत्ता को हवा में उड़ाता है और फिर कहता है सुप्रा शिफ्ट, और फौरन से वो रत्ता के पास ब्लेड को अंदर रखता है और जिसके बाद वो सुपर सुप्रा बीम अटैक करता है जिसकी वजह से रत्ता को पहले तो वो छोटी छोटी सी लेजर से मारता है, लेकिन फिर फाइनली वो रत्ता के ऊपर इतना खतरनाक अटैक करता है जिसकी वजह से रत्ता का फाइनली ख़त्म हो जाता है, रत्ता का गेम यहीं पर ओवर एंड रत्ता का उसको स्पेस में मार के भेज देता है एंड इसी के साथ वो नीचे जाता है और कहता है फाइनली हम लोग जीत गए, हम जीत गए और पानी में गिर जाता है, लेकिन उसके दोस्त बचा लेते हैं और इसी से ख़त्म होती है वो मूवी टू और साथ में रत्ता का ओरिजिन मतलब फुल लाइफ स्टोरी ख़त्म होती है रत्ता का की। तो तुम्हें कैसी लगी स्टोरी मुझे ज़रूर बताना एंड स्टोरी के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट आ जाया है और एक पार्ट आ जाएगा, दोनों पार्ट ही वैसे आ जाएंगी, खैर छोड़ो। तो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो बुआ की वीडियोज़ में तो तुम मुझे बताना, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके एंड गाइस मैं अभी नई वीडियो के बारे में स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ एंड हमने नई असेंबली के बारे में सोचा है। अगर तुम लोग क्राउन प्राइस और साथ में SB 373 को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा कि ये कौन सा ग्रुप है।
और उस क्राउन प्रेस की चैनल पे ऐसी एक सीरीज चल भी रही है। तो एंड मैंने अपने से कुछ फैन मेड फ्यूजन बनाए हैं, तो उसकी भी वीडियो कल आ जाएगी। आई थिंक कल आएगी या परसों, मुझे नहीं पता, बहुत कंफ्यूजिंग है। मतलब इस वीडियो के तो बाद ही आएगी, बिकॉज अभी उस वीडियो के रिकॉर्डिंग का काम चल रहा है, रिकॉर्डिंग हो चुकी है, लेकिन मैं उस वीडियो के पार्ट टू के बारे में भी टॉपिक सोच रहा हूँ, मतलब उसकी स्क्रिप्टिंग व्रिप्टिंग कर रहा हूँ, बिकॉज ताकि मैं और एलिमेंट ढूंढ सकूँ। एंड मैं तुम लोग, एंड मैं पता है ये नए फ्यूजन्स क्यों बना रहा हूँ, ताकि अगर तुम में से किसी को भी अपनी नई सीरीज स्टार्ट करनी हो और उसमें तुम्हें कोई वो एक न्यू फ्यूजन दिखाना है, ना कि कोई पुराना फ्यूजन, तो तुम लोग मेरे पहले फैनमेड फ्यूजन्स का यूज़ कर सकते हो। अभी तक बोबो के 6 फ्यूजन्स बन चुके हैं, ऑफिशियल 6 फ्यूजन्स हैं, जिनका नाम मैं तुम्हें तेज़ी में बता देता हूँ। बोबो बॉय फ्रॉस्ट फायर, बोबो बॉय ग्लेशियर, बोबो बॉय सुप्रा, बोबो बॉय सॉरी, बोबो बॉय क्या बोलते हैं, बोबो बॉय रंबल, और साथ में बोबो बॉय सोफी, आई थिंक सोफी या सोफा, हाँ सोफा, बोबो बॉय सोफा। तो ये 6 हैं अभी तक के ऑफिशियल फ्यूजन्स, लेकिन अभी मैं और भी फ्यूजन्स बनाऊंगा। तो एंड तुम लोग चाहो तो मुझे अपनी फैनमेड सीरीज के बारे में भी कमेंट्स में बता सकते हो, एंड उसके एंड तुम उसके कितने पार्ट बनाने वाले, तो मैं उसका भी मतलब एक्सप्लेनेशन बनाऊंगा। एंड चलो मिलते हो तुम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे नाम आई हो, स्टे होम स्टे सेफ।